मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग में जैसा कि काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी, उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तीन सर्कुलर बेसिकली इशू किए गए हैं। सर्कुलर नंबर 159, 160 एंड 161। तो इन तीनों ही सर्कुलर्स में वही सब बातें की गई हैं जो जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग में रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो काफी सारी बातें वही जो रिकमेंडेशन के अंदर कही गई थी उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इन सर्कुलर्स के जरिए। तो इन तीनों ही सर्कुलर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस इंस्टॉल नहीं की है, कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज जो आपको रीजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल कराए गए हैं, साथ ही एक और नई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, मंथली न्यूज़लेटर। तो जो भी आपके टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो न्यूज़लेटर के जरिए मंथली आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। पीडीएफ फाइल्स होंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दो फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी न्यूज़लेटर के अंदर विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, विदाउट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। तो जो लोग भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के साथ अवेल करना चाहते हैं वो लोग विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के साथ इन न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग विदाउट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के साथ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो विदाउट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी जो है हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कुलर नंबर 160 की। तो ये तीनों ही सर्कुलर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो इसमें बेसिकली जो जीएसटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको बताए गए हैं, उनको क्लेरिफाई किया गया है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू आता था डेबिट नोट के रिगार्डिंग, कि डेबिट नोट के रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अवेल करने के लिए उसकी क्या लिमिट है। बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए एक ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया गया, तो आप सबको पता है ओरिजिनल इनवॉइस के रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए कोई ओरिजिनल इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 2021 में इशू किया गया था, तो उस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अगर अवेल नहीं किया है तो ऐसे में आप उसको अवेल कर सकते हैं अप टू दी ड्यू डेट ऑफ सितंबर 2021 की जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट तक आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी कि मान लीजिए इस ओरिजिनल इनवॉइस के रिगार्डिंग कोई डेबिट नोट इशू किया गया, लेट से ये जो है डेबिट नोट इशू किया गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, तो अब ऐसे में प्रॉब्लम आती है कि इस डेबिट नोट के रिगार्डिंग जो आईटीसी अवेल करने की ड्यू डेट है वो क्या है। क्या वो ओरिजिनल इनवॉइस के रिगार्डिंग जो ड्यू डेट थी वही रहेगी, या फिर जिस डेट में डेबिट नोट इशू हुआ है उस डेट को कंसीडर किया जाएगा फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेबिट नोट। तो यही बात यहां पर क्लियर की गई है सर्कुलर के जरिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2021। तो 1 जनवरी 2021 से एक अमेंडमेंट की गई, बिफोर 1st of January आपकी जो डेबिट नोट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की जो लास्ट डेट थी वो आपके ओरिजिनल इनवॉइस की जो डेट है उससे रिलेट करती थी, लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद अमेंडमेंट की गई और अब जो है आप
डेबिट नोट की डेट से यह चेक करेंगे कि उस डेबिट नोट के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोवाइड्स दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई डेबिट नोट इशू किया गया, तो उस डेबिट नोट जो इशू किया गया वो फाइनेंशियल ईयर है 21-22, और इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो सितंबर 22 के लिए जो ड्यू डेट होगी GSTR 3B फाइल करने की, उस डेट तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं रिलेटेड टू सच डेबिट नोट। अगर हम बिफोर अमेंडमेंट की बात करें तो बिफोर अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर वर्ड्स यूज किए गए थे फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। तो पहले जब डेबिट नोट का ITC क्लेम करने की जो लास्ट डेट देखी जाती थी वो ओरिजिनल इनवॉइस की डेट से देखी जाती थी, रीजन बीइंग वर्ड्स यूज किए गए थे इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, और उस डेबिट नोट से रिलेटेड जो इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस होता था उस ओरिजिनल इनवॉइस की डेट कंसीडर की जाती थी यह जानने के लिए कि वह कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, और जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है उससे अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता था। लेकिन अब ये जो वर्ड्स हैं इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, ये डिलीट कर दिए गए हैं, तो दैट मीन्स अब इनवॉइस के लिए इनवॉइस की डेट रेलिवेंट होगी और डेबिट नोट के लिए डेबिट नोट की जो डेट है वो रेलिवेंट होगी। तो एज कैन बी सीन द वर्ड्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच वर ओमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 21। द इंटेंट ऑफ लॉ एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2020 स्टेट्स दैट क्लोज 118 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू डीलिंक द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस फॉर पर्पज ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये अमेंडमेंट ही इसीलिए की गई थी कि डेबिट नोट की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की जो पीरियड था वो ओरिजिनल इनवॉइस डेट से लिंक किया जाता था, अब उसको डी लिंक कर दिया गया है, अब डेबिट नोट के लिए ओरिजिनल इनवॉइस की जो डेट है वो रेलिवेंट नहीं। तो ये बेसिकली यहां पर इस सर्कुलर के जरिए बताया गया है। इलस्ट्रेशन आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि एक डेबिट नोट है वो इशू किया गया 7th of July 21 को, तो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 21-22, और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं सितंबर 22 पीरियड के लिए जो GSTR 3B फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट तक हम ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब हमारे लिए ओरिजिनल इनवॉइस की जो डेट है वो इररिलेवेंट है। अब मान लीजिए ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है 16 जनवरी 2021, तो आप देखेंगे यहां पर फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाता है 2020-21, और इसके अकॉर्डिंग सितंबर 21 की जो GSTR 3B फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट तक ही हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब ओरिजिनल डेट जो है इनवॉइस की वो रेलिवेंट नहीं होगी। ए डेबिट नोट डेटेड 7th of July इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस डेटेड 16th of March, तो ओरिजिनल इनवॉइस 16th of March को इशू किया गया जबकि डेबिट नोट 7th of July 21 को इशू किया गया। एज द इनवॉइस पर्टेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 2021 द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इनवॉइस इन टर्म ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इज 2021। हाउएवर डेबिट नोट हैज बीन इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22।
रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सच अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विल बी 2021-22। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट की गई है यहाँ पर, इसको क्लियर किया गया है सर्कुलर के जरिए, क्लैरिफाई किया गया है कि डेबिट नोट के लिए आपकी जो डेबिट नोट इशू करने की जो डेट है वो रेलिवेंट होगी, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस डेट रेलिवेंट होगी। उसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन दी गई रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग। तो अगर मान लीजिए ई इनवॉइस जनरेट किया गया है, तो क्या ऐसे में फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज कंपल्सरी टू बी कैरिड बाय द व्हीकल बाय द कन्वेंस? तो वेदर कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज कंपल्सरी ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इन केसेस वेयर सप्लायर हैव इशूड इनवॉइस इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। तो इसके लिए बताया गया कोई फिजिकल कॉपी कैरी करने की आपको जरूरत नहीं है। रूल 138 सब रूल 1 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स provides that the person in charge of a conveyance shall carry the invoice or bill of copy or delivery challan as the case may be, and a copy of the e-way bill or the e-way bill number either physically or mapped to a radio frequency identification device embedded on the conveyance in such manner as may be notified by the commissioner. Uske baad further sub rule 2 138 a ke tahat after being amendment, in case invoice is issued in the manner prescribed under subrule 4 of the rule 48, the quick reference code having an embedded invoice reference number in it may be produced electronically for the verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice. So agar quick reference कोड जो है वो जनरेट किया गया है, जिसके साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर को एम्बेड किया गया है, लिंक किया गया है, वो सुफिशियंट होगा, फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ए कंजॉइंट रीडिंग ऑफ 138 सबरूल 1 और सबरूल 2 क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर ई इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर। आफ्टर अमेंडमेंट द रिवाइज्ड रूल 138 सबरूल 2 स्टेट्स इन ambiguous words that whenever e-invoice has been generated, the quick reference code having an embedded invoice reference number in it may be produced electronically for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice. So, जहाँ पर आपने जो है quick reference code generate किया है with IRN invoice reference number, वहाँ पर आप जो है फिजिकल कॉपी कैरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो नंबर है वो प्रोवाइड करेंगे, उसके जरिए प्रॉपर ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन अ केस वेयर इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्विक रेफरेंस कोड हैविंग एन एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर electronically for verification by the officer would be sufficient. तो यहां पर physical copy carry करने की जरूरत नहीं है अगर आपने e-invoice generate किया है। उसके बाद एक और clarification यहां पर दी गई। Basically section 54 जो refund की बात करता है under GST law, तो section 54 subsection 3 के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं एक proviso आपको दिया गया है, और प्रोविजो में कहा गया है कि अगर आपकी जो गुड्स है, अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो है सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए, बेसिकली एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आप पे करते हैं तो अंडर कस्टम जो है आपको ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, तो इसलिए यहां पर उनके केसेस में जीएसटी के तहत रिफंड अलाउ नहीं किया गया है। तो एक सवाल आया कि वो गुड्स जो सब्जेक्ट टू निल एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो क्या वो भी इस प्रोविजन में कवर होगी या नहीं? वेदर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट प्रोहिबिटिंग रिफंड ऑफ unutilized input tax credit is applicable in case of export of goods
विच आर हैविंग निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो क्या वो गुड्स जिन पर निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है उन पर भी यह रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी, उनको भी जीएसटी लॉ के तहत आईटीसी जो अनयूटिलाइज्ड है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बेसिकली क्लेरिफिकेशन दी गई कि जो भी गुड्स हैं जिन पर या तो निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है या फिर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के दायरे से ही बाहर है, तो ऐसे में उन पर यह प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। द टर्म सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी यूज्ड इन फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 मींस वेयर द गुड्स आर एक्चुअली लेवियबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं गुड्स पर लगेंगी जिन पर एक्चुअली में एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी की गई है एंड सफरिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। देयरफॉर गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच आइदर निल रेट इज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द कस्टम एक्ट और व्हिच आर फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय वर्चू ऑफ एनी कस्टम नोटिफिकेशन और व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्टेड टू एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। तो दैट मीन्स उन पर यह रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगी, उनके केस में जो है रिफंड अलाउ किया जाएगा। तो जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पर निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है या फिर वो 100% एग्जम्प्टेड है फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर वो सेकेंड शेड्यूल में फॉल ही नहीं करती है, उन केसेस में आप जीएसटी लॉ के तहत रिफंड क्लेम कर सकते हैं। Accordingly, it is clarified that only those goods which are actually subjected to export duty, that is on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restrictions imposed under Section 54, Subsection 3 for availment of refund of accumulated ITC. Goods which are not subjected to any duty and in respect of which either nil rate is specified or which are fully exempted or which are not covered under the second schedule to the Custom Tariff Act would not be covered by the restrictions imposed under the first provision to Section 54, Subsection 3 of the CGST Act for the purpose of availment of refund of accumulated ITC. तो उस केस में आपको जो है रिफंड दिया जाएगा, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके गुड्स पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है या 100% एग्जम्प्टेड है या फिर वो सेकंड शेड्यूल में कवर ही नहीं होती है, तो आप उनके केसेस में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्कुलर नंबर 160 के अंदर तीन क्लैरिफिकेशन आपके लिए दी गई थी। डेबिट नोट के रिगार्डिंग आप कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा जो सेकंड क्लैरिफिकेशन दी गई कि फिजिकल कॉपी कैरी करना जरूरी है या नहीं इन केस ऑफ ई इनवॉइस। तीसरा जो क्लेरिफिकेशन दी गई, अगर आपकी जो गुड्स है वो सब्जेक्ट टू निल रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है या फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड है, तो इन दैट केस क्या आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलेगा या नहीं। ये तीनों ही क्लेरिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 161 की। तो सर्कुलर नंबर 161 में भी अगर मैं आपको ब्रीफ करता हूं तो बेसिकली यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बात की गई है। तो अगर हम कहें कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये जो है इंडिया में है और एक दूसरी कंट्री है, लेट से कोई भी कंट्री आप कह सकते हैं, यूएसए है। मान लीजिए मिस्टर एक्स की ही एक और कंसर्न या एसोसिएट जो है वो यूएसए में है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यूएसए में है और मिस्टर एक्स अपनी ही कंसर्न को इंडिया से यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हैज बीन डिफाइंड इन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एज अंडर। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर जो है वो इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, द पेमेंट ऑफ सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो जो है आपकी फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव होनी चाहिए। और जो एक और कंडीशन बताई गई, द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट
मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर मान लीजिए आप ही की दूसरी जो है एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है, तो वो क्या मानी जाती है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ऐसे में ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग एक क्लेरिफिकेशन यहां पर इसी इशू की गई है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी यहां पर इंडिया में है, और मान लीजिए एक्स वाई जेड की ही एक और जो है एस्टैब्लिशमेंट है जो आउटसाइड इंडिया है, यूएसए में है, मान लीजिए एक्स वाई जेड एलएलसी। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई कंसर्न, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, और दूसरी जो कंसर्न है वो आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडियाज के जो लॉज हैं उनके तहत रजिस्टर है, तो ये दोनों ही क्या मानी जाएंगी? सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएंगी। और इन केसेस में जो है ये मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानी जाएंगी, और ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर बाकी सभी कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं। तो बेसिकली यहां पर बताया गया, डाउट्स हैव बीन रेज्ड वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए सब्सिडरी, सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंसर्न एटसेट्रा टू ए फॉरेन कंपनी। तो भले ही आप सब्सिडरी हैं, सिस्टर कंसर्न है, एसोसिएट है, लेकिन आप इंडियन लॉज के तहत रजिस्टर्ड है, वो आउटसाइड जो कंट्रीज लॉज है उनके तहत रजिस्टर्ड है, दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऐसे में वो दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे। विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ इन इंडिया टू द फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉज ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, इन दैट सिचुएशन दैट विल नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंडीशंस वेयर इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन एस्टैब्लिशमेंट कब मानी जाएंगी? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो सेम व्यक्ति जब इंडिया के अंदर भी उसकी एस्टैब्लिशमेंट है और आउटसाइड इंडिया भी उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, एन एस्टैब्लिशमेंट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट इन द आउट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक स्टेट में उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरे स्टेट में उसकी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये भी क्या मानी जाएंगी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एन एस्टैब्लिशमेंट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट बीइंग ए बिजनेस वर्टिकल रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सेम स्टेट के अंदर भी अगर मान लीजिए आप जो है सेम पेन पर अलग अलग जगह रजिस्टर्ड है, तो भी वो क्या माने जाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एज पर द अबव एक्सप्लेनेशन एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन इन इंडिया एंड अनदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेड पर्सन आउटसाइड इंडिया आर कंसिडर्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये क्या माने जाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहां पर रेफरेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन। तो जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है अंडर जीएसटी लॉ, तो वहां पर पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनवेडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशमेंट बाय अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविनेंशियल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो अगर आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है दूसरी कंट्रीज के लॉज के तहत, तो वो भी क्या माना गया है? पर्सन माना गया है जीएसटी लॉ के तहत। तो जो कंपनी इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड है वो सेपरेट पर्सन है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट जो दूसरी कंट्रीज के लॉज के तहत रजिस्टर्ड है वो एक सेपरेट पर्सन है। तो ऐसे में ये दोनों क्या माने जाएंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। एनालिसिस ऑफ द इशू। क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट व्हिच डिफाइंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज places a condition that the service provided by one establishment of a person to another establishment of the same person। अगर same व्यक्ति की दूसरी establishment को अगर आप services देते हैं तो वो export of service
नहीं माना जाएगा, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। इन अदर वर्ड्स, एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेड फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर कहा गया है कि अगर मान लीजिए फॉरेन कंपनी में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया वाली कंपनी को अगर सर्विसेज देते हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर नहीं है। फर्दर एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सजेस्ट दैट इफ ए फॉरेन कंपनी इज कंडक्टिंग बिजनेस इन इंडिया थ्रू ए ब्रांच और एन एजेंसी और ए रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस देन द सेड ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेड फॉरेन कंपनी इन इंडिया। सिमिलरली इफ एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज ऑपरेटिंग थ्रू ए ब्रांच और एन एजेंसी रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया देन दैट ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस शैल बी ट्रीटेड एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेड कंपनी इन द सेड कंट्री। तो अगर मान लीजिए फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कोई ब्रांच, कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस, कोई एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट करती है तो क्या मानी जाएगी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इन व्यू ऑफ द अबव इट कैन बी स्टेटेड दैट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड बाय ए ब्रांच और एन एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस ऑफ ए फॉरेन कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टू एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेड फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जो यहां पर मेजर डिफरेंस बताया गया है कि अगर मान लीजिए यूएसए में कोई कंपनी है एबीसी एलएलसी, और ये मान लीजिए यहां पर कोई एबीसी के नाम से कोई एजेंसी बनाती है, कोई ब्रांच बनाती है, कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस बनाती है, और ये जो है ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो ये मानी जाएंगी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर ये इनकॉर्पोरेटेड है दैट मींस कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएंगी, ऐसे में ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानी जाएगी। यहां पर कहा गया इफ इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बट इफ बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया टू इट्स ब्रांच एजेंसी रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस लोकेटेड इन एनी अदर कंट्री नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ द साइड कंट्री शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सप्लाई बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका वाइस वर्सा केस बताया गया कि अगर इंडिया में मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है और यूएसए में इसकी ब्रांच है, मान लीजिए एबीसी, और यूएसए में ये जो एबीसी है ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो ऐसे में ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगे, और अगर ये इनकॉर्पोरेटेड है यूएसए के अंदर तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानी जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में भी इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, और जो आउटसाइड कंट्री में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी अदर कंट्रीज के लॉज के तहत रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये आपस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानी जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है या दोनों में से कोई भी एक रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। तो ये बेसिकली इस सर्कुलर के जरिए क्लियर किया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल है, सिर्फ समझने वाली बात ये है कि अगर आप अपनी ही कंसर्न को आउटसाइड इंडिया अगर कोई सर्विस देते हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है वो इंडियन लॉज के तहत कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड है और आउटसाइड इंडिया जो आपकी कंसर्न है वो भी दूसरी कंट्रीज के जो लॉज है उनके तहत इनकॉर्पोरेटेड है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएंगे और ऐसे में ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। लास्ट जो सर्कुलर इशू किया गया सर्कुलर नंबर 159, जिसके अंदर बेसिकली इंटरमीडियरी सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। तो इंटरमीडियरी सर्विसेज के रिगार्डिंग भी अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, तो बेसिकली होता क्या है इंटरमीडियरी सर्विसेज में तीन तरह के जो है पार्टीज होती है, लेट से ए बी और सी। और मान लीजिए ए जो पार्टी है वो क्या करती है, सप्लाई करती है, कौन सी सप्लाई, मेन सप्लाई,
लेट्स से सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल करती है, और जो ये थर्ड पार्टी है, जो सी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, ये सेलर के लिए बायर को फैसिलिटेट करती है। दैट मींस वो मार्केट में घूमता है, देखता है कि कौन पोटेंशियल बायर है, बायर को अप्रोच करता है और सेलर ए से कॉन्टेक्ट कराता है, सेलर ए उसको बायर को मेन सप्लाई करता है, बदले में सेलर जो है वो सी को कमीशन देता है, कोई फीस देता है। तो ऐसे में इसको कहा जाता है इंटरमीडियरी सर्विस। इसमें जो थर्ड पार्टी है, जो सी है, वो बेसिकली एज ए ब्रोकर काम करता है, एज ए एजेंट काम करता है, एज ए इंटरमीडियरी काम करता है, और ये जो सर्विस देता है टू दी सेलर, टू दी मेन पर्सन, वो होती है आपकी एंसिलरी सप्लाई या इंसिडेंटल सप्लाई। तो यहां पर बताया गया इंटरमीडियरी मींस ए ब्रोकर, एन एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, हु अरेंजेस फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्संस, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो मान लीजिए ए है, वो डायरेक्ट बी को सेल करता है, तो ऐसे में ये जो है इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं मानी जाएगी। तो इंटरमीडियरी सर्विसेज के लिए तीन पार्टीज का होना जरूरी है, एक पार्टी जो आपकी मेन सप्लाई करती है, दूसरी पार्टी जिसको सप्लाई की जाती है, एंड तीसरी पार्टी जो उस सप्लाई के लिए अरेंजमेंट्स करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली इंटरमीडियरी सर्विसेज में बताया गया है। सर्विस टैक्स लॉ में भी यही कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट को जीएसटी लॉ के अंदर जो है बेसिकली अडॉप्ट किया गया है। तो यहां पर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम ऑफ थ्री पार्टीज, तीन पार्टीज का होना जरूरी है। बाय डेफिनेशन एन इंटरमीडियरी इज समवन हु अरेंजेज और फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्संस। इट इज दस ए नेचुरल कोरोलरी दैट द अरेंजमेंट्स रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ थ्री पार्टीज, टू ऑफ देम ट्रांजेक्टिंग इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज, एंड वन इज हु इज अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग द सेड मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। एन एक्टिविटी बिटवीन ओनली टू पार्टीज कैन देयरफॉर नॉट बी कंसिडर एज एन इंटरमीडियरी सर्विस, दो पार्टीज के बीच कभी भी इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं हो सकती। सेकेंडली यहां पर आप देखेंगे टू डिस्टिंक्ट सप्लाई, एक आपकी मेन सप्लाई होती है जो सेलर के द्वारा बायर को, रेसिपिएंट को प्रोवाइड की जाती है, सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को दी जाती है, दूसरी आपकी एंसिलरी सप्लाई होती है जो कि इंटरमीडियरी के द्वारा सेलर को या सप्लायर को प्रोवाइड की जाती है। एज डिस्कस्ड अबव देयर आर टू डिस्टिंक्ट सप्लाइज इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरमीडियरी सर्विसेज, दैट इज वन इज मेन सप्लाई बिटवीन टू प्रिंसिपल्स, दैट कैन बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज। एंसिलरी सप्लाई विच इज सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द मेन सप्लाई बिटवीन टू प्रिंसिपल्स, द एंसिलरी सप्लाई इज सप्लाई ऑफ इंटरमीडियरी सर्विस एंड इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है ये, जो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को अरेंज करते हैं, वो आपकी एंसिलरी सप्लाई कहलाती है। इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडेड टू हैव द करेक्टर ऑफ एन एजेंट ब्रोकर ऑफ अदर सिमिलर पर्सन। तो जो इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो कैरेक्टर होगा, वो एक एजेंट के तौर पर होगा, एक ब्रोकर के तौर पर होगा। डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो दैट मींस अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली बायर को, रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है, गुड्स सेल कर रहा है एट हिज ओन, तो ऐसे में वो इंटरमीडियरी सर्विस नहीं मानी जाएगी। अलावा बताया गया सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर ए सर्विस इज नॉट ए इंटरमीडियरी सर्विस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए के द्वारा बी को कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके प्रोवाइड करना है और ए क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए कुछ पार्ट जो है सी से डेवलप कराता है। तो ऐसे में ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, इस केस में इंटरमीडियरी सर्विस अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि सी ने यहां पर कोई भी फैसिलिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया है। बेसिकली उसने ए के साथ टाई अप किया है,
ने जो भी सर्विसेज जो जो जिसके लिए कॉन्टेक्ट किया है वो सर्विस जो है सी के द्वारा ए को दी गई है। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि डेवलपमेंट के लिए उसको बी से कम्युनिकेट करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बी के लिए बी और ए के बीच में कोई अरेंजमेंट किया है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो ऐसे में सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो इंटरमीडियरी सर्विस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ए है कोई मशीन सेल करता है, तो सी जो है वो इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है बायर को मिस्टर बी को जो है वो फैसिलिटेट करता है, अरेंजमेंट्स करता है ए और बी के बीच में सेल परचेज करने के लिए। पर ऐसे में ए के द्वारा सी को कोई फीस दी जाती है, कोई अमाउंट पे की जाती है, वो क्या कहलाएगी इंटरमीडियरी सर्विस कहलाएगी। उसके अलावा हमने देखा था सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो इंटरमीडियरी सर्विस में कवर नहीं होगा। तो बेसिकली यही सब बात जो है इस सर्कुलर के अंदर बताई गई है कि को किस केस में जो है इंटरमीडियरी सर्विस मानी जाएंगी, किस केस में इंटरमीडियरी सर्विस नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि जनरली इंटरमीडियरी सर्विस को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन लोगों में रहता है, तो उसी को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। ये तीनों ही सर्कुलर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप के अंदर ही आपको चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहां पर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं।